हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड एंड टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर सपोज कर लो एक चार्ज पार्टिकल है और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुसता है तो क्या होगा, है ना। जैसे सपोज कर लो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इसके अंदर सपोज कर लो एक चार्ज पार्टिकल एंटर किया तो क्या होगा। और हम लोगों ने दो केसेस स्टडी किए थे। हम लोगों ने कहा सपोज कर लो एक चार्ज क्यू है, वो वी वेलोसिटी के साथ इस तरीके से एंटर करता है सच दैट जो वेलोसिटी है बच्चों चार्ज का, वो और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हैं। वी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, दैट मीन्स उन दोनों के बीच में थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है। कितना है? 0 डिग्री। तो ऐसे सिचुएशंस में बच्चों हम लोगों को पता है फोर्स का इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव किया था, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो क्या था इक्वेशन? ना एफ मैग्नेटिक इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। जिसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो, और स्केलर मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है तो ऐसे लिख सकते हैं, देयर इज क्यू इंटू वी इंटू बी साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आ जाता है। क्योंकि बच्चों थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है ना? 0। दैट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स जो है वो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स इस चार्ज पार्टिकल पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, वो सीधा सीधा चलता रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों अगर सपोज कर लो चार्ज पार्टिकल इधर से एंटर करता है ना, चार्ज क्यू विद वेलोसिटी वी अगर इधर से एंटर करता है तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। नाउ अगेन साइन 180 डिग्री इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0, है ना। तो अगेन मैग्नेटिक फोर्स दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा, ओके, दैट इज साइन 180 डिग्री विल बी 0। तो मैग्नेटिक फोर्स 0, मतलब वो चार्ज पार्टिकल सीधा सीधा ही चलता रहेगा, उसमें कोई डिफ्लेक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा। फिर दूसरा केस हम लोगों ने स्टडी किया था कि अगर सपोज कर लो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर होंगे तब क्या होगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होंगे तब क्या होगा। जैसे हम लोगों ने कहा सपोज कर लो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है जो बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से जो सपोज कर लो बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और इसके अंदर बच्चों हम लोगों ने क्या किया ना, एक चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया, ठीक है। जैसे सपोज कर लो यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, ओके, चार्ज पार्टिकल q विद वेलोसिटी v, ओके। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड किधर है बच्चों? इन टू द बोर्ड, इन टू द बोर्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है ना। तो चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो गया? चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी आगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो एंगल 90 डिग्री, है ना। जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों तो एफ एम जीरो होगा क्या? नहीं, दैट इज क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, है ना, विच इज़ कितना हो जाएगा? क्यू वी पी, ओके, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, ओके, दैट मीन्स फोर्स लगेगा, इस बार फोर्स 0 नहीं होगा। अच्छा, फोर्स किधर लगेगा उसका डायरेक्शन निकालना है, बड़ा आसान सा नियम है, ओके। अगर सपोज कर लो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अच्छा, नियम क्या है देखो, मैग्नेटिक फील्ड ये हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड का ये थंब और ये बाकी फिंगर्स, ओके, बाकी फिंगर्स को हम रखेंगे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, बाकी फिंगर्स को हम किधर रखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और थंब को किधर रखेंगे? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जिधर मूव करता है। तो देखो मेरा पाम जिस तरफ है बच्चों, है ना, ये दिस इज माई पाम, ये जिस तरफ फेस कर रहा है फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि फोर्स इधर लगेगा, ठीक है, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये चार्ज पार्टिकल क्या होगा? थोड़ा टर्न करेगा, ओके, ये चार्ज पार्टिकल थोड़ा टर्न करेगा, और फिर हम लोगों ने देखा था कि ये एक सर्कुलर पाथ में घूमता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली बना दे रहे हैं, दैट इज अ सर्कुलर पाथ, और उस सर्कुलर पाथ में वो चार्ज पार्टिकल घूमेगा। चार्ज पार्टिकल पर बच्चों कंटिन्यूसली फोर्स लग रहा होगा सेंटर की तरफ, है ना। सेंटर पे लगने वाले फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो वो किसके वजह से लग रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड के वजह से लग रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स है, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर उसके बाद हमने कहा था सेंट्रीपिटल फोर्स का जो हमारा इक्वेशन है उसके साथ हम लोग रिलेट किए थे, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो इक्वेशन है बच्चों उसके साथ हम लोग रिलेट किए थे। सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन क्या है? दैट इज, हम लोग उसे कहते हैं, दैट इज एम वी स्क्वायर बाई आर, है ना, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल,
फिर आर इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। अब दोनों ही बराबर होंगे तो हम लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल्स टू एफ एम। एफ एम कितना है बच्चों? क्यू वी बी, है ना। तो यहाँ से वी से एक वी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से रेडियस का हम लोगों को फॉर्मूला मिल गया था, दैट इज एम वी बाई क्यू बी, एम वी बाई क्यू बी, ठीक है। अच्छा, अब फिर हम लोगों ने और भी डेराइवेशंस किए थे, जैसे कि सपोज कर लो पूरा एक चक्कर काटने में उसे कितना समय लगेगा, जिसे हम लोग टाइम पीरियड कह सकते हैं। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? टाइम पीरियड निकालते कैसे हैं? टाइम कैसे निकालते हैं बच्चों? मोशन में टाइम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस बाई स्पीड करके, है ना, डिस्टेंस बाई स्पीड। ओके, तो हम लोगों या डिस्टेंस कितना है सर्कुलर पाथ का? डिस्टेंस उसके सर्कमफेरेंस के बराबर होता है। तो टाइम पीरियड टी कैन बी रिटन एज सर्कमफेरेंस। कितना होता है बच्चों? सपोज कर लो इस सर्कल का रेडियस आर है, ठीक है। आर हम लोग निकालें यहाँ पर, अभी रेडियस का फॉर्मूला है ना। तो सपोज कर लो इस सर्कल का रेडियस आर है, ठीक है। तो डिस्टेंस हो जाएगा 2πr डिवाइडेड बाई वेलोसिटी और स्पीड यू कैन से। ओके, अच्छा, तो टाइम पीरियड कितना आएगा बच्चों? दैट इज 2πबाई वी। अच्छा, आर की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज इन टू एम वी बाई क्यू बी, ठीक है। वी से वी मर गया बच्चों, ठीक है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आया? दैट इज 2πm बाई क्यू बी। फॉर्मूला याद रखोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है कि एक चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है? सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। चार्ज का वैल्यू दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे देगा, एंड एम इज द मास ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल, ये भी दे देगा। और आपसे पूछेगा बताओ कितना समय लगाएगा वो एक सर्कुलर मोशन एग्जिबिट करने में। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं, है ना, ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, टाइम पीरियड पता है तो बच्चों फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। एक सेकंड में कितना वो कितनी बार रिवॉल्व करेगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 बाई टाइम पीरियड पता होगा आप लोगों को, दैट इज 1 बाई 2 पाई एम बाई क्यू बी। तो इट इज इक्वल्स टू क्यू बी बाई 2 पाई एम। ओके, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना निकल कर आया बच्चों? दैट इज क्यू बी बाई 2 पाई एम, जस्ट टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। तो ये सारा चीज हम लोग पढ़ चुके थे बच्चों। आज हम लोगों को पढ़ना है जब इनिशियल वेलोसिटी कुछ एक एंगल बना रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तब क्या होगा, है ना। हम लोग तो पहले देखे कि 0 डिग्री, दूसरा केस हम लोग स्टडी किए जहां पर 90 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर, है ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर वेलोसिटी ऐसे, तो परपेंडिकुलर था। लेकिन अभी जो तीसरा केस हम लोग स्टडी करेंगे बच्चों, उसमें क्या होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में कुछ दूसरा एंगल होगा, डिफरेंट एंगल होगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा, या फिर 0 या 180 नहीं होगा, सम आर्बिट्रेरी एंगल। ओके, तब क्या होगा? तो यहां देखो, दैट इज व्हेन इनिशियल वेलोसिटी, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी मेक्स एन आर्बिट्रेरी एंगल विथ द मैग्नेटिक फील्ड, विथ द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तब क्या होगा? जब इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कुछ एक एंगल बना रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, है ना, तब क्या होगा? तो हम लोग देखते हैं, उस केस को स्टडी करते हैं। ओके, जैसे सपोज कर लो, पहले एक्स वाई जेड एक्सिस बना लेते हैं बच्चों। जैसे सपोज कर लो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ओके, सपोज दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड सपोज दिस इज आवर जेड एक्सिस, ओके, दिस इज वाई, दिस इज एक्स एंड दिस इज लेट इट बी जेड, ओके, या फिर ऐसे भी ले सकते हैं थोड़ा सा एक्स वाई एंड सपोज दिस इज जेड, ओके। अच्छा, मान लो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है ना, पॉजिटिव एक्स की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? पॉजिटिव एक्स की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है बच्चों,
पॉजिटिव एक्स की तरफ है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स की तरफ है, ओके। ऐसे दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। अब सपोज कर लो एक चार्ज बच्चों यहां से एंटर करता है, ठीक है, चार्ज एंटर करता है इस तरीके से, ठीक है। एक चार्ज है क्यू जो एंटर किया विद अ वेलोसिटी वी मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, ओके, और विद द मैग्नेटिक फील्ड, है ना, विद द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अच्छा तो अब यहाँ पर क्या सिनेरियो होने वाला है देखो, ठीक है। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी वेक्टर इधर, ठीक है, और दोनों के बीच में कुछ एक एंगल है दैट इज थीटा, ठीक है। अच्छा बच्चों आप हमें बताओ कि अगर एक वेक्टर इस तरीके से है, ठीक है, और हॉराइजेंटल के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो उसके दो कंपोनेंट्स होंगे वेक्टर में, आप लोग पढ़े होंगे वेक्टर रिजोल्यूशन के बारे में, है ना। तो ये अगर भी वेक्टर है, ये एंगल थीटा हो गया, तो इस डायरेक्शन में उसका एक वेलोसिटी होगा जिसे हम लोग कहेंगे वी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी होगा जिसे हम लोग कहेंगे वी साइन थीटा, ठीक है। दैट मीन्स इस वेलोसिटी के दो पार्ट्स हम लोग कर दिए, है ना। एक वेलोसिटी का कंपोनेंट है जो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, दैट इज वी कॉस थीटा, और एक वेलोसिटी का बच्चों कंपोनेंट है जो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, दैट इज वी साइन थीटा। अब यहां पर देखो v cos थीटा का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, मतलब v cos थीटा इज मेकिंग और इज पैरेलल, v cos थीटा इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, हम लोग बोल सकते हैं पैरेलल मतलब इस कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल जीरो है, ठीक है। अगर एंगल जीरो है तो हम लोग क्या बोले थे बच्चों, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फोर्स इस कंपोनेंट पर नहीं लगेगा, दैट मीन्स वी कॉस थीटा वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन वी साइन थीटा, तो वी कॉस थीटा इज द पैरेलल कंपोनेंट, है ना, इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। सिमिलरली वी साइन थीटा इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, है ना। तो दो कंपोनेंट आ गए बच्चों, दैट इज वी परपेंडिकुलर एंड वी पैरेलल, ठीक है, वी पैरेलल, ओके। तो यहाँ देखो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर होता है ना, तो वो सर्कुलर पाथ में चार्ज को घुमाता है कि नहीं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होता है, अभी इससे पहले वाला जो टॉपिक था, है ना, उसमें हमने पढ़ा कि जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी वाला कॉम्पोनेंट होता है वो चार्ज को सर्कुलर पाथ में घुमाता है, ठीक है, किस डायरेक्शन में घूमेगा वो डिपेंड करता है, और जो पैरेलल कंपोनेंट है वो चार्ज को आगे लेकर जाता है, ठीक है। तो अब होगा क्या बच्चों, ना यहाँ पर चार्ज जो है वो आगे भी बढ़ेगा और सर्कुलर पाथ में भी घूमेगा, दोनों चीज होगा, जिसके वजह से अल्टीमेटली होगा क्या, ना जो हमारा चार्ज है वो एक हेलिकल पाथ फॉलो करेगा, मतलब आगे भी बढ़ना है उसे और सर्कुलर पाथ में भी घूमना है उसे, तो अल्टीमेटली वो आगे भी बढ़ेगा और सर्कुलर पाथ दोनों बनाएगा, तो कुछ इस तरीके का मूवमेंट होगा, इस तरीके से मूवमेंट होगा बच्चों, इस तरीके से हम लोग उसे रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो मूवमेंट हो रहा है चार्ज पार्टिकल का, इसे हम लोग एक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड हेलिक्स और हेलिकल मूवमेंट, है ना। तो चार्ज पार्टिकल बच्चों ऐसे ऐसे घूम करके आगे भी बढ़ता रहेगा और सर्कुलर पाथ में भी घूमेगा, दोनों काम करेगा, बिकॉज दो कंपोनेंट है यहां परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट उसे सर्कुलर पाथ में घुमाएगा
और पैरेलल कंपोनेंट उसे आगे लेकर जाएगा, तो उसे सर्कुलर पाथ में भी घूमना है, साइमल्टेनियसली आगे भी बढ़ना है। तो जो हमारा पाथ यहाँ पर बनकर आएगा दैट विल बी हेलिकल, दैट विल बी हेलिकल। ओके अच्छा, अब यहाँ पर पैरेलल कंपोनेंट के वजह से तो फोर्स जीरो है ना, बिकॉज थीटा का वैल्यू जीरो हो गया है ना। तो वी नो दैट वी ड्यू टू फोर्स ड्यू टू वी पैरेलल विल बी इक्वल टू जीरो सिंस थीटा इज इक्वल्स टू जीरो डिग्री, बट फोर्स ड्यू टू वी परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू हाउ मच ना, क्यू इंटू वी इंटू बी है ना, क्यू इंटू वी इंटू बी। ओके बट वी का वैल्यू, वी परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है ना, वी साइन थीटा, तो हम लोग इसे लिखेंगे क्यू इंटू बी इंटू वी साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर एक साइन थीटा का कॉम्पोनेंट आ जा रहा है बच्चों। अच्छा, फिर उसी तरीके से हम लोग रेडियस का फॉर्मूला जैसे अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे, वही रेडियस का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, दैट इज एम वी बाई क्यू बी। ठीक है, लेकिन यहाँ वी की जगह वी परपेंडिकुलर लिखेंगे, बिकॉज ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है कौन से वेलोसिटी की वजह से, परपेंडिकुलर वेलोसिटी की वजह से, तो यहाँ परपेंडिकुलर वेलोसिटी लिखेंगे और आई कैन राइट इट एज एम वी साइन थीटा बाई क्यू इंटू बी। ओके, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग निकाल सकते हैं रेडियस ऑफ द हेलिक्स है ना, रेडियस ऑफ दैट हेलिक्स। ओके, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होगा बच्चों, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या निकाले थे अभी हम लोगों ने, दैट इज 2 पाई आर बाई वी, दैट इज डिस्टेंस बाई वेलोसिटी और स्पीड है ना। लेकिन यहाँ फिर से बोल रहे क्या लिखेंगे, वी परपेंडिकुलर है ना, बिकॉज वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है कौन से वेलोसिटी की वजह से, परपेंडिकुलर वेलोसिटी, पैरेलल वेलोसिटी की वजह से, तो फोर्स जीरो है, वो सिर्फ आगे लेकर जाएगा, सर्कुलर पाथ में नहीं घुमा सकता। ठीक है, अच्छा तो उसके हिसाब से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो टाइम पीरियड क्या निकल कर आएगा, दैट इज 2 पाई आर की जगह पुट कर देंगे एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी है ना, एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी, और नीचे में क्या रहेगा बच्चों, वी परपेंडिकुलर दैट इज वी साइन थीटा, तो वी साइन थीटा से वी साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो ये कितना आया, दैट इज 2 पाई एम बाई क्यू बी है ना। सेम एक्सप्रेशन वहां पर भी आया था, यहां पर भी सेम एक्सप्रेशन आया है, दैट मीन्स वेलोसिटी के ऊपर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता, चाहे कितना स्लो एंटर करे या फास्ट एंटर करे, उसके ऊपर टाइम पीरियड नहीं डिपेंड करता। ठीक है, उसके ऊपर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता। ओके अच्छा, और एक फॉर्मूला बच्चों यहां पर आ जाएगा, किसके केस में, दैट इज हेलिकल पाथ के केस में या हेलिक्स के केस में, जिसे यहां पर देखो हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, इतना नोट कर लो पहले। ओके देखो, जब ये चार्ज पार्टिकल आगे सॉरी जब ये चार्ज पार्टिकल एंटर किया बच्चों मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो सर्कुलर पाथ में भी घूम रहा है और आगे भी बढ़ रहा है ना, तो एक पॉइंट से लेकर के, एक सर्कुलर पाथ के सेंटर से लेकर के दूसरे सर्कुलर पाथ के सेंटर तक है ना, ये जो डिस्टेंस है इसे हम लोग कहते हैं पिच है ना, दैट इज, और वी कैन से पिच को डिफाइन कर देते हैं, पिच यहां पर क्या होगा देखो समझो, दैट इज द लीनियर डिस्टेंस ओके ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल, ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल ओके द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल ओके इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओके ड्यूरिंग इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, ड्यूरिंग इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज कॉल्ड पिच, इज कॉल्ड पिच। तो वो कितना आगे बढ़ा है ना,
एक टाइम पीरियड में वो कितना आगे बढ़ा, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वो सर्कुलर पाथ में भी घूम रहा है और आगे भी तो बढ़ रहा है ना, तो वन टाइम पीरियड में वो कितना लीनियर डिस्टेंस कवर किया, उसे हम लोग पिच कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? पिच। पिच निकालेंगे कैसे? ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, वी कॉस थीटा। टाइम पीरियड पता है हम लोगों को बच्चों, दैट इज 2 पाई m/cb। तो जनरली पिच यहाँ पर क्या हो जाएगा, पिच मतलब लीनियर डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, स्पीड इंटू टाइम, दैट इज वी कॉस थीटा इंटू टाइम की जगह लिखेंगे 2 पाई m/ क्या, क्यूबी, है ना, 2 पाई m/cb। ओके, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ पिच, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ पिच। ओके, तो ये इतनी चीजें बच्चों आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है, इस टॉपिक से। ओके, अब मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके बच्चों, तो कल हम लोगों ने एक टॉपिक और भी डिस्कशन किया था, ये तो चार्ज पार्टिकल था, पॉइंट चार्ज। कल बच्चों हम लोगों ने करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में भी बात किया था। हमने कहा था कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, है ना। जैसे सपोज कर लो एक मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सपोज कर लो हम अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रख देते हैं, ठीक है, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगा। सपोज कर लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो है एंगल थीटा बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ, ठीक है, और इस डायरेक्शन में सपोज करंट फ्लो कर रहा है, तो इसमें कितना फोर्स लगता था बच्चों। और सपोज कर लो लेंथ इस कंडक्टर का एल है, ठीक है, तो हम लोगों ने फोर्स का एक्सप्रेशन निकाला था, दैट इज फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू ए मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू आई इंटू एफ वैक्टर, अगर हम बोलें तो एल वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। और एल वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता था, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, इसी का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड लिखेंगे बच्चों, तो एफ इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा, है ना, आई एल बी साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला याद रखोगे, दैट इज फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर का फॉर्मूला क्या है। अगेन और एक फॉर्मूला बताते हैं, ठीक है। हम लोग जब बायोट सावर्ट्स लॉ पढ़ रहे थे बच्चों, या फिर एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ रहे थे, तब हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर सपोज कर लो एक कंडक्टर है और उससे आर डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट है पी, ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उस हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला था, ठीक है, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर में सपोज करंट कितना फ्लो कर रहा है ना, आई, ठीक है, तो हम लोगों ने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, दैट इज म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, है ना, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ओके, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाल सकते हैं, है ना, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, लेकिन अभी जो टॉपिक हम लोग डिस्कशन करेंगे उसमें ये दोनों फॉर्मूलाज यूज होंगे, एक ये और एक ये, ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला यूज होंगे। तो टॉपिक क्या है हमारा, दैट इज फोर्सेज बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला ध्यान में रखो और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो, हमें दिया गया है कि दो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हैं। टॉपिक क्या है, फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, ठीक है, बड़ा ही आसान सा टॉपिक है बच्चों, देखो, है ना। यहाँ देखो, जैसे सपोज कर लो हमारे पास दो वायर हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग, सपोज ये एक वायर, और सपोज कर लो उसी के साइड में और एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इस तरीके से डॉटेड लाइन बता रहा है कि वायर काफी लंबा है, नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी। ओके, अब यहां देखो, जैसे सपोज कर लो हम लोग बोलते हैं कि इन दोनों वायर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, ना इन दोनों वायर्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सपोज कर लो वो आर है। ओके, इस वायर में सपोज करंट फ्लो कर रहा है आई, इस वायर में सपोज कर लो करंट फ्लो कर रहा है, सॉरी I1, और इसमें सपोज करंट फ्लो कर रहा है I2। इस वायर का नेमिंग कर देते हैं सपोज ए बी, और इस वायर का नेमिंग कर देते हैं सपोज सी एंड डी, ठीक है। दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं बच्चों,
दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब यहां देखो, जैसे सपोज कर लो ये वायर, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके वजह से आर डिस्टेंस दूरी पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, जिसे सपोज हम बोलते हैं B1, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूस्ड बाय करंट I1 एट एनी पॉइंट ऑन द वायर CD, ठीक है। ये जो वायर है बच्चों, इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, इसके वजह से R डिस्टेंस की दूरी पर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है R, तो R डिस्टेंस की दूरी पर CD वायर है, तो इस वायर के ऊपर एक क्या लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कितना प्रोड्यूस होगा वो निकाल सकते हैं, तो लेट इट बी कॉल्ड B1, ओके। इज B1 इक्वल टू म्यू नॉट, करंट कितना है बच्चों I1, इसमें कितना करंट है वो नहीं देखोगे, किसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, इस वायर का, तो इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है वो लिखना है, दैट इज म्यू नॉट I1 बाई डिस्टेंस कितना हो गया तुम्हारा 2πr, ओके। अच्छा, फोर्स किस तरफ लगेगा वो भी हम लोगों को निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं। देखो ये करंट हो गया है ना, और इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो अपने फिंगर्स को कर्ल किए, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है, किधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज इन टू द बोर्ड, है ना। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इन टू द बोर्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ है बच्चों, किधर है, अंदर की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखो हमें फोर्स का डायरेक्शन निकालना है ना। फोर्स कैसे निकालते हैं, अपने फिंगर्स राइट हैंड के थंब और फिंगर्स को अलग अलग कर लो, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फिंगर्स जो है, बाकी सारे जो फिंगर्स है उन्हें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखना है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, करंट देखो ऊपर की तरफ है, जिधर मेरा पाम खुल रहा है बच्चों, दिस इज माई पाम, ओके, जिस डायरेक्शन में मेरा पाम खुला है फोर्स उधर लगेगा, दैट मीन्स यहां पर फोर्स लगेगा इस तरफ, ठीक है, फोर्स लगेगा इस तरफ, लेट इट बी F1, ओके, लेट इट बी F1, ओके। अच्छा, इतना समझ में आ गया। अब उसी तरीके से जैसे हमने कहा कि करंट I1 के वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यहां पर, और उसके वजह से एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, सिमिलरली यहां भी तो करंट फ्लो कर रहा है, इसके वजह से यहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा बच्चों, है ना। दैट इज, तो यहां पर देखो फोर्स का भी वैल्यू हम लोग लिख देते हैं, फोर्स वन का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू फॉर्मूला क्या है हमारा, दैट इज आई इंटू ILB साइन थीटा, ऐसा फॉर्मूला होता है ना बच्चों, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे दैट इज फोर्स ऑन कंडक्टर, तो यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज इस वायर पे निकाल रहे ना कितना फोर्स, तो इसका करंट लेना पड़ेगा, दैट इज I2, उसके बाद लेंथ सपोज कर लो L, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है B1 साइन, तुम्हारा एंगल कितना हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, बिकॉज देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, करंट इधर है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। B1 का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो F1 का वैल्यू निकल जाएगा, दैट इज I2 इंटू क्या बोल सकते हैं, I2 इंटू L इंटू B1 का वैल्यू कितना है, म्यू नॉट I1 बाई 2πr साइन 90 डिग्री का वैल्यू हो गया 1, ठीक है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1। तो अल्टीमेटली देखो ये कितना आ रहा है बच्चों, दैट इज L म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πr, ठीक है, दिस इज F1, ठीक है। नाउ अगर हम बोलेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πr, ठीक है, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πr, ओके। अब देखो हमने इसके ऊपर लगने वाले फोर्स को F1 लिया है, ठीक है,
कुछ बुक्स वगैरह में तुम देखोगे इसी को F2 लिखा जाता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, तुम जिस हिसाब से चाहोगे, क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड B1 कंसिडर किया था, इसीलिए फोर्स को भी F1 लिख दिया। ओके, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका, बस अप्रोच सही होना चाहिए। वेरिएबल का जो नाम है वो आप कुछ भी दे सकते हो, है ना। अच्छा, उसके बाद देखो ये इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है I2, ये r डिस्टेंस दूरी में ये वायर है, इस पॉइंट पर एक मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करेगा। सपोज उस मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कहते हैं, B2, ठीक है। तो B2 का वैल्यू कितना होगा, दैट इज म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई r, है ना। और उसी तरीके से बच्चों अगर आप F2 निकालोगे तो वो कितना आएगा ना, सेम आएगा, दैट इज L म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई r। और फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालोगे, दैट इज F2 बाई L निकालोगे, तो आएगा म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई r, ठीक है। अब इससे एक चीज तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि दोनों फोर्सेस इक्वल हैं लेकिन ऑपोजिट हैं। यहां पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा बच्चों वो किधर लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा, है ना, इस वायर पे, है ना, इस वायर पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा, और सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर होगा वो बाहर की तरफ होगा, दैट इज B2 वेक्टर इधर होगा बच्चों, है ना। अच्छा, यहाँ B1 वेक्टर, और इधर जो फोर्स लगेगा ना वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, दैट इज F2। F1 देखो इधर है इस डायरेक्शन में, F2 देखो इधर है इस डायरेक्शन, दोनों इक्वल हैं और ऑपोजिट हैं, इक्वल हैं और ऑपोजिट हैं। तो यहाँ पर हम लोग दोनों एक दूसरे के तरफ हैं, तो एक फोर्स इधर से इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर से इधर लग रहा है, दोनों फोर्सेस एक दोनों वायर्स को क्या करेंगे, पास ले आएंगे, यानी कि अट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक कंक्लूजन पर पहुंचे ना, इफ टू पैरेलल वायर्स और कंडक्टर्स इन विच करंट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, करंट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन, देन दे अट्रैक्ट ईच अदर, देन दे अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, दोनों फोर्सेस एक दूसरे की तरफ एक्ट करेंगे, तो दोनों वायर्स अट्रैक्ट हो जाएंगे। याद रखोगे दोनों का वैल्यू सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसीलिए हम लिख सकते हैं F1 इज इक्वल्स टू F1 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस F2 वेक्टर। माइनस क्यों लिख रहे हैं बच्चों, बिकॉज डायरेक्शन ऑपोजिट है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। इसी तरीके से तो ये हो गया दो पैरेलल वायर्स जिनमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। अब अगर सपोज ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता तो रिपेल करते, है ना, बाकी सारा चीज सेम होता बच्चों, लेकिन होता क्या, रिपल्सन। मतलब अब आप लोग डिराइवेशन खुद से भी कर सकते हो उस चीज का, ठीक है, सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है। जैसे सपोज कर लो दो वायर्स हैं और दूसरा वायर यहां पर है, वो भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है, ओके। इसमें सपोज कर लो करंट I1 फ्लो कर रहा है और इसमें नीचे की तरफ यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट I2 फ्लो कर रहा है ना। तो ऐसे केसेस में क्या होगा बच्चों ना, ये दोनों क्या करेंगे, ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे, देखो जैसे सपोज कर लो यहाँ पर दोनों के बीच में डिस्टेंस R हो गया, ठीक है, तो R डिस्टेंस की दूरी पर यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड निकालो इस करंट के वजह से, दैट इज B1 इनटू द पेपर, है ना, B1 वेक्टर जो है वो इनटू द पेपर आएगा। अच्छा, इस करंट के वजह से यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड निकालो, यहाँ पर आएगा तुम्हारा एक मैग्नेटिक फील्ड दैट इज B2, और ये भी होगा इनटू द पेपर, ठीक है, पेपर के अंदर की तरफ, ठीक है। अच्छा, फोर्सेस अगर हम लोग निकालेंगे, यहाँ देखो इस वायर पे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लग रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हमने रखा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हमने रखा फिंगर्स को, राइट हैंड के फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन इनटू द पेपर, करंट देखो इधर आ रहा है इधर, तो फोर्स किधर लगेगा, मेरा पाम किधर है, माई पाम इज ऑन दिस साइड, ओके, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, तो एक फोर्स लगेगा इस तरफ,
ठीक है, सपोज कर लो वो है F1, ओके। और सिमिलरली यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, फोर्स किधर लगेगा, मेरा पाम किधर है बच्चों, इस तरफ, तो फोर्स लगेगा इस तरफ, दैट इज राइट हैंड पाम रूल के हिसाब से फोर्स लगा इधर। देखो दोनों फोर्सेस ऑपोजिट हैं, वैल्यू सेम आएगा बच्चों, सिर्फ फोर्सेस का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। दैट मीन्स वायर्स अगर एंटी पैरेलल हुए, अगर वायर्स एंटी पैरेलल हुए तो फिर वो रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, रिपल्सन होगा, ठीक है। और वैल्यू सेम रहेगा, है ना, दैट इज फोर्स कितना होगा ना, F1 विल बी इक्वल टू माइनस F2 वेक्टर, और अगर वैल्यू के बारे में बात करें तो F1 विल बी इक्वल टू F2 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाय दैट इज 2 पाई R, है ना, F1 बाई L, एंड दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ सेम आएगा, बस डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट, ये देखो ये फोर्स इधर, ये फोर्स इधर, तो रिपेल करेंगे, ओके। तो ये था बच्चों, दैट इज फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ओके। और इसी के साथ हम लोग आज का ये वीडियो खत्म करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।